आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपको दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देखिए। आज हम उससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे 67वीं बीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि एवं उससे संबंधित, उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कितना रहा है विकास दर, तो 19.2% रहा है। वही द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है, उसका विकास दर 19.5% रहा है। वहीं तृतीय क्षेत्र जो सेवा से संबंधित है, उसमें 61.2% विकास दर देखा गया है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। अब हम देखते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कितना रहा है प्राथमिक क्षेत्र में, कितना रहा है द्वितीय क्षेत्र में और कितना रहा है तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में 19.5% रहा है कृषि एवं अन्य क्षेत्र में 2020-21 में। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग में 20.3% रहा है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा में 7.2% रहा है। अब यहां आप अंतर कीजिए, आप अंतर करेंगे तो देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में पहले की अपेक्षा गिरावट देखने को मिला है। यहां 19.2% है, यहां 19.5% है। उद्योग के क्षेत्र में भी यानी द्वितीय क्षेत्र में भी गिरावट देखने को मिला है। यहां जहां 19.5% का ग्रोथ रेट है, वहीं यहां पे 20.3% यानी पहले की अपेक्षा गिरावट देखा गया है। लेकिन सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखा गया है, जहां 60.2% था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, वहीं 21-22 के अनुसार 61.2% रहा है। यानी कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि पिछले बार की अपेक्षा प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो कमी हुई है। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो कमी हुई है। सेवा के क्षेत्र में वृद्धि हुई है या कमी है, तो वृद्धि हुई है, इसको भी याद रखिएगा। अब है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद। इसमें प्रथम स्थान पे पटना रहा है, यानी सबसे ज्यादा पटना के लोगों की आय है। यानी सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो पटना का स्थान है, और सबसे कम शिवहर का है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का। अब इसमें देखते हैं कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में, उसमें किसका रहा है, तो प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में यहां भी पटना का ही रहा है, और सबसे कम यहां भी शिवहर का ही रहा है। इसलिए दोनों सेम ही है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब है कि बिजली के प्रति व्यक्ति खपत में कितना रहा है बिहार में, तो 350 किलोवाट जो है बिजली का खपत देखने को मिला है 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार। वहीं 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 332 किलोवाट रहा है, यानी वृद्धि देखा गया है। पहले 332 था, अब 350 है, यानी बिजली का प्रति व्यक्ति खपत बिहार में बढ़ा है। अब है कि राज्य में खपत कितना है, तो 6422 मेगावाट रहा है। वहीं अगर 2021 के अनुसार देखेंगे तो बिजली का उत्पादन जो है 6073 मेगावाट, यानी यहां भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। अब है कि बिहार में सकल संचित क्षेत्र कितना रहा है, तो 54.35 लाख हेक्टेयर रहा है 2021-22 के अनुसार। वहीं 2020-21 के अनुसार बिहार में कुल संचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर रहा है, यानी पहले की अपेक्षा कमी देखने को मिला है संचित क्षेत्र में। यह भी कभी कभी प्रश्न के रूप में सामने आता है कि बिहार में वर्तमान में संचित क्षेत्र कितना है, तो याद रखिएगा 54.35 लाख हेक्टेयर है, पहले की अपेक्षा जो है इसमें कमी देखने को मिला है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और 2021-22 से संबंधित अनफैक्ट जो 67वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं,
उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो 67वीं बीपीएससी का पीटी दे रहे हैं उनको इस वीडियो से लाभ जरूर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।